Hello dear student, this is Tariq Ansari. Today we will start a new topic, quadrilateral. Let us start. What is the quadrilateral? मन में आता है ना कि quadrilateral क्या होता है. आइए quadrilateral के बारे में जानते हैं. Quadrilateral को सबसे पहले dear student हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हमें इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आए. इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट इज क्वाड एंड सेकंड पार्ट इज लेटरल. देखिए बेटा, क्वाड का मतलब होता है फोर, इसका मतलब फोर, और लेटरल का मतलब होता है साइड. तो सीधे सीधे समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें फोर साइड हो. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, ए क्लोज प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट फोर वर्टिक्स फोर एंगल्स. सच टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं बेटा. बेसिकली पांच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वन बाई वन करके नाम ले रहा हूं. आपका पहला आता है रेक्टेंगल, मैं लिखते जा रहा हूं. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड पैरेललोग्राम, फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ, जगह वहां नहीं है इधर देखिए, फिफ्थ ट्रेपेजियम. वैसे एक और होता है आपका, क्या होता है काइट, काइट भी लिख दे रहा हूं. इन सभी फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. क्वाड्रिलेटरल का और थोड़ा सा डीप में जाने बेटा, क्वाड्रिलेटरल इज ए कॉमन नेम. आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप जरा इस एग्जांपल से समझिए. जैसे स्टूडेंट बोल दिया गया, स्टूडेंट इज ए कॉमन नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, राम का, श्याम का, सीता, गीता, सभी का हो सकता है. लेकिन जब स्टूडेंट बोल दिए तो ये चारों जो हो गए सबके लिए ये एलिजिबल है. इसी तरीके से जो राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, ये पर्टिकुलर किसी एक स्पेशल नाम है किसी स्टूडेंट का. तो वैसे ही आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है और इनका एक स्पेशल नाम है. जैसे ही क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहा जाएगा तो इसका मतलब ये सारे टर्म्स आ जाएंगे, ये इनके लिए कॉमन नेम है. आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और हर एक की प्रॉपर्टी देखेंगे. उसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइज का. तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन हो गया, मैं कोई एक फिगर बना दे रहा हूं सपोज दैट क्वाड्रिलेटरल के लिए. तो ए बी सी एंड डी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए क्लोज प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइड. फोर साइड है, इनके नेमिंग इस तरीके से ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. फोर वर्टेक्स, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां. देयर आर द फोर वर्टेक्स, फोर एंगल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो इसकी प्रॉपर्टी ये क्वाड्रिलेटरल की, इसमें दो डायगोनल भी होंगे. अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाली या अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल बोला जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है. ए सी और बी डी दो डायगोनल आपके हैं. तो आइए, ये तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन था, उसके अकॉर्डिंग आइए एक एक करके जानते हैं. इसके पहले, स्टार्ट करने से पहले एक और बात क्लियर कर दूं, क्वाड्रिलेटरल स्पेशली दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका कॉन्वेक्स और दूसरा होता है आपका कॉनकेव. कॉन्वेक्स, पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट, सेकंड कॉन कैव क्वाड्रिलेटरल.
लेटरल। बेटा देखिए इन दोनों में फर्क क्या होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं बेटा। पहला, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री हो, मतलब देयर आर द फोर एंगल्स और हर एक एंगल 180 से कम हो। कुछ इस तरीके से फिगर बना लीजिए आप, ए बी सी एंड डी। लुक एट हियर, ए बी सी और डी ये आपके क्वाड्रिलेटरल है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। ए एंगल देखिए, बी देखिए, सी देखिए या डी देखिए, सभी एंगल इसके लेस देन 180 डिग्री है। एक ये पहचान थी। दूसरी पहचान ये है इसकी कि इसके जो डायगोनल जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही ज्वाइन होगा। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही ज्वाइन हुआ। दूसरा मैंने टाइप्स बताया आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ इस तरीके से होता है। पहले फिगर बना लेते हैं। आइए, दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज द फिगर फॉर द कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कहता है बेटा, इसके कोई एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा। फिगर देखिए जरा, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री। बाकी से नहीं मतलब है, डेफिनेशन ये कहता है कि आपकी एक एंगल 180 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपका कॉनकेव होगा। अब इसकी बेसिक एक और जरा पहचान देख लेते हैं। इनके जब डायगोनल ज्वाइन करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ना होकर के बाहर मिलेंगे। ये वाला आप डायगोनल ज्वाइन करिए, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट साइड को ही तो ज्वाइन करते हैं, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स को ही तो ज्वाइन करते हैं। तो बी को डी से ज्वाइन करेंगे, ए को सी से ज्वाइन करेंगे, तो आप पाएंगे क्या, यहाँ पे एक डायगोनल इसके अंदर मिलते हैं जबकि दूसरा क्या होता है, इसके बाहर होता है। तो इस तरीके से भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं, कॉन्वेक्स को जो डायगोनल होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर मिलते हैं, जबकि कॉनकेव के जो डायगोनल होते हैं वो बाहर मिलते हैं। एक ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस मैंने ये बताया, कॉन्वेक्स के जो सभी एंगल होंगे लेस देन 180 डिग्री होंगे, जबकि क्या होंगे, कॉनकेव के क्या होंगे, कोई एक एंगल देखेंगे मोर देन 180 डिग्री होगा। तो ये तो था बेसिक, मैंने आपके चैप्टर के बारे में बताया क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, दो पार्ट में मैंने तोड़ा, क्वाड प्लस लेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बताए हैं। बेसिकली होते तो हैं बहुत सारे तरीके के, मैंने बेसिक पांच इंपॉर्टेंट बताया। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल दो तरीके के मैंने बताया स्पेशल, एक है आपके कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। अब क्या काम करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और बात याद कर लीजिएगा बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल आप नोट चाहे तो लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल होते हैं और फोर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चारों एंगल का सम 360। ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा 180 होते हैं, जबकि क्वाड्रिलेटरल में 360 होते हैं, चार एंगल होते हैं। आइए एक एक करके एक एक की प्रॉपर्टी जानते हैं, जो बेसिकली मैंने पांच बताए हैं। वन बाय वन करके आज हम लोग एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट मैंने बताया था आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिस इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बट स्पेशल नेम इज रेक्टेंगल। आइए देखिए इसका फिगर कैसा होता है। एबीसीडी दिस इज ए रेक्टेंगल, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं बेटा ये भी आपका रेक्टेंगल ही है, ठीक है। बस आप ऐसा कोई एग्जाम्पल मत दीजिएगा जो 3D हो, वो 2D होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही डिफाइन किया था एक क्लोज फिगर, एक क्लोज प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। तो आपका ब्लैक बोर्ड ही ले सकते हैं जिसके लेंथ और ब्रेथ क्या होने चाहिए, दोनों अलग अलग डायमेंशन के होने चाहिए। ये फिगर देखिए बेटा, दिस इज द रेक्टेंगल। आइए वन बाय वन करके प्रॉपर्टी जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू
बीसी, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। एंगल ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू डी इजकल टू 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। डाया, डाया मीन्स डायगोनल, ए सी इजकल टू डाया बी डी, दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। और थोड़ा सा डीपली में अगर जानना चाहेंगे तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बेटा ओ ए ओ सी इक्वल होगा, ओ बी ओ डी इक्वल भी होंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, सुन लीजिए वर्बल, जरूरी नहीं है हर चीज लिखना। इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मैंने कहा इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें रह गया है? एक और प्रॉपर्टी गहरी जान लीजिए, वर्टिकली जब बाइसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। दिस एंगल इक्वल टू दिस, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी एंड ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। इन सभी प्रॉपर्टियों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका सेकंड प्रॉपर्टी होगा। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ए बी सी डी। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जैसा कि आपका रेक्टेंगल में था। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो आपके क्या होंगे, ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू सी डी एंड पैरेलल। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ये एंगल इसके इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नंबर थर्ड, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। देख रहे हैं फिगर में, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। नंबर थर्ड, थर्ड हो गया फोर्थ, इसके जो डायगोनल होते हैं यहां पर भी ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, इसमें आपके रोम्बस में करते हैं। दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब हुआ ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और सारे भी हो सकते हैं, देखिए डीपली में अगर जाएंगे, क्योंकि आप 8 स्टैंडर्ड के हैं तो मैं 8 स्टैंडर्ड के बेस पे बता रहा हूँ। होते हैं तो आपके अल्टरनेट लग जाएंगे, ओ डी सी ओ बी ए, यहाँ वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो वो आपके शायद अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल वो अल्टरनेट भी लगेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल साइड है, तो अल्टरनेट लगेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइए बात बताते हैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में, क्योंकि ट्रेपेजियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ट्रेपेजियम चैप्टर भी आपके हैं। थर्ड ट्रेपेजियम, देखिए बेटा ट्रेपेजियम बताने से पहले देखिए, ट्रेपेजियम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका आइसोसेलेस होता है और एक होता है नॉर्मल ट्रेपेजियम। मैं दोनों में पहले डिफरेंस बता देता हूं। पहले नॉर्मल ट्रेपेजियम की बात कर लेते हैं, दिस इज नॉर्मल ट्रेपेजियम, ए बी सी एंड डी,
इन नॉर्मल ट्रेपेजियम हम ऐसा देखेंगे, एक जो नॉन पैरेलल साइड होगा यानी जो एक पेयर होंगे वो पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा, जो पैरेलल एक ही साइड है पैरेलल वाला उसके एंगल को इंटीरियर फॉलो करते हैं, यानी ए प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री, इसी तरह बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर। अब को इंटीरियर क्या होता है वो अगले क्लास में बताया जाएगा, अगले क्लास नहीं अगले टॉपिक में बताया जाएगा, आप वहां देखिएगा। होता क्या है कि पैरेलल अगर रहते हैं तो एक ही साइड के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इसी प्रॉपर्टी को को इंटीरियर कहा गया है। तो ये तो था नॉर्मल ट्रेपेजियम। एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइए सिर्फ फिगर दिखा देते हैं और दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, जैसा कि फिगर से आपको डिफरेंस नजर आ रहा है मैं बता दे रहा हूं है क्या डिफरेंस। इसके जो नॉन एक एक पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और इसके जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं ये दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। जबकि इसमें क्या होता था, इन दोनों इक्वल नहीं होते थे। नॉर्मल ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड होता था वो इक्वल लेंथ का नहीं होता था, जबकि क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यहां लिख दे रहा हूं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल टू सी डी भी होगा और नॉन पैरेलल साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी भी होगा। याद रखिएगा इसमें नहीं होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। और बेसिक सब प्रॉपर्टी यहां पर भी कोइंटीरियर लगेगा। एक और डिफरेंस देखिएगा, जो नॉर्मल ट्रेपेजियम होते हैं उसके डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। इन द नॉर्मल ट्रेपेजियम द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल लेंथ, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द डायगोनल्स आर इन इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में आपके डायगोनल जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, जबकि नॉर्मल ट्रेपेजियम में वो डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते। इन दोनों में इतना डिफरेंस है, दोनों की जरूरत पड़ती है। आप अभी अगर जो मैंने बताया अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको आगे की क्लास में 9th 10th तक बहुत इसका यूज मिलेगा, और डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्वायर। आपने स्क्वायर के बारे में प्रीवियस क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर मुझे लगता है तो आप 5th से पहचानना स्टार्ट कर दिए हैं, 5th 6th 7th 8th 4 साल हो रहे हैं। लिसन, सच टाइप फिगर इज नोन एज द स्क्वायर। देखिए बेटा आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, एक फेस आप चॉक बॉक्स का देख लीजिए, या तो आप लोग डाइस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो का फेस देख लीजिए। मैंने लूडो की बात नहीं की, मैंने लूडो का फेस की बात की है। ये क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहीं से मिल गई हमें, ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सभी इक्वल लेंथ के मिल गए। दूसरी प्रॉपर्टी, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, सी डाया मीन्स डायगोनल ए सी इक्वल टू डाया बी डी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं, करेक्ट। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए मैंने क्या कहा कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, और बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओ ए ओ सी इक्वल होगा ओ बी और ओ डी इक्वल। जाहिर सी बात है जब ये इसके इक्वल है तो ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज रॉम्बस।
फिफ्थ प्रॉपर्टी रोम्बस। इन रोम्बस फिगर आपका स्क्वायर की तरह ही लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होते हैं बेटा। ए बी सी एंड डी, पहली प्रॉपर्टीज की है, जैसा स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं वैसे ही रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं। तो ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। नाउ द थर्ड, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डाया ए सी डज नॉट इक्वल टू डाया बी डी, इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी वर्बल बता दे रहा हूं, इसके जो डायगोनल होते हैं जैसे स्क्वायर में बाइसेक्ट करते थे वैसे यहां पर भी बाइसेक्ट करते हैं, यहां पर 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री। इसी तरह एक और आपका रह जा रहा है काइट, वो भी लिख दे रहा हूं। काइट के बारे में भी जान लीजिए, दिस इज ए बी सी एंड डी। देखिए बेटा, काइट के बारे में कहा जाता है इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। एडजेसेंट का मतलब है ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, एक पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते, ये ज़्यादा बड़ा होगा और ये कम होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये, इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जरूरी नहीं है को इक्वल लेंथ में, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट के होंगे क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये पार्ट इसके इक्वल होंगे। तो ये रहा बेसिक सा आपका क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने एक एक टॉपिक को गहराई से बताया है। इन प्रॉपर्टियों का आप यूज करिएगा और देखिएगा, डेफिनेटली इन प्रॉपर्टियों को यूज करके हम लोग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगला वीडियो आने से पहले आप इन सारी प्रॉपर्टियों को अच्छे से पढ़िएगा और फिर हम लोग मिलते हैं इसके प्रॉब्लम पे, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉब्लम पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।